तो हरियाणा चुनाव के नतीजों में साफ हो गया है कि बीजेपी जो है अब सरकार बनाने जा रही है लगातार तीसरी बार। लेकिन रोहतक में जहां पर भूपिंदर सिंह हुड्डा का चुनावी कार्यालय था, अब वहां से भी उनके समर्थक जो हैं मायूस होकर धीमे धीमे यहां से निकल रहे हैं। निराश होंगे थोड़ा सा, सरकार कांग्रेस की नहीं आ पाई। हाँ, निराश तो हैं जी, क्या करे, पर ये दिन ताना हो रहा है। 5 साल की सारी करी कराई मेहनत बेकार की सारी, आज उम्मीद खत्म होगी। चुनाव आयोग ने अभी तक कुछ नहीं दिखा रहे, एक भी सीट की बढ़त नहीं दिखा रहे। उम्मीद तो थी और सारी सब खत्म होगी उम्मीद। तो हरियाणा चुनाव के नतीजों में साफ हो गया है कि बीजेपी जो है अब सरकार बनाने जा रही है लगातार तीसरी बार। लेकिन रोहतक में जहां पर भूपिंदर सिंह हुड्डा का चुनावी कार्यालय था, अब वहां से भी उनके समर्थक जो हैं मायूस होकर धीमे धीमे यहां से निकल रहे हैं। और तमाम जो समर्थक हैं आप उनको यहां तस्वीरों में देख सकते हैं और अब वो यहां से जाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हीं लोगों से हम बात करते हैं और समझते हैं कि हरियाणा चुनाव में आखिर क्या हुआ। तो ये बताइए कि भूपिंदर सिंह हुड्डा तो जीत गए, लेकिन क्या वजह रही कि चुनाव जो है नहीं जीत पाए, सरकार नहीं बन पाई? कुछ नहीं बोल सकते, हमें कुछ नहीं, कोई ज्ञान नहीं। आप लोग तो बहुत देर से यहाँ इंतजार कर रहे थे कि सरकार बनेगी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ भाई। शैलजा कुमारी शैलजा कह रही है कि मुझे मौका नहीं दिया गया, इसका ऐसी कोई बात नहीं, वो नाराज नजर आ रही है। कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा जी, कोई बात नहीं। और भी कार्यकर्ता यहाँ पर आप देखिए लगातार निकल रहे हैं, बात करते हैं उनसे। सर क्या नाम है आपका? चलिए और भी लोग, क्या नाम है सर आपका? रतन सिंह है जी। ये बताइए कि निराश होंगे थोड़ा सा, सरकार कांग्रेस की नहीं आ पाई? हाँ, निराश तो हैं जी, क्या करे, पर ये दिन ताना हो रहा है इनके। लोग निकल कर भी जाना शुरू कर दिया, वहाँ जा रहे हैं ना जी, वो हुड्डा जी के घर ना जी। हाँ, उसका वो नहीं है कि वो मारा बतरा, बीवी बतरा, उसकी वो रोक रखी काउंटिंग, उसके लिए जा रहे हैं। काउंटिंग रुकी हुई है, उसके लिए जा रहे हैं। अब कोई उम्मीद लग रही है कि सरकार बनेगी अभी? क्या सरकार, तो पता नहीं जी, अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। तमाम और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर ये बताइए कि जाहिर तौर पर मायूसी होगी, हुड्डा साहब जरूर जीते, लेकिन क्या लगता है क्या कमी रह गई? शाम को 7-8 बजे तक कांग्रेस की सरकार बना करके सोएंगे। मैं महेंद्र सिंह हुड्डा हूँ, आदमपुर से मैं आया हूँ। आदमपुर का किला हमने 56 साल के बाद में तोड़ा है। वहाँ कुलदीप बिश्नोई के लड़के को, भव्य बिश्नोई को हमने 1400 वोटों से हरा दिया है। तो वहाँ क्या है, अब दोबारा काउंटिंग करवा रहे हैं, वो दोबारा काउंटिंग में भी हारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और फतेह करेंगे किला। और 10 साल से हम तो कितनी सीटें अभी लग रहा है आपको, उम्मीद आ जाएगी? हम 50+ सीट लेकर जाएंगे। ये बताइए कि कुमारी शैलजा दिल्ली में है, इंटरव्यू दे रही थी, उन्होंने कहा कि मुझे पूरा मौका नहीं दिया गया चुनाव की कमान संभालने, उनकी नाराजगी बार बार आ रही। क्या दलितों ने वोट नहीं दिया, सिर्फ जाटों ने वोट दिया? सब ने वोट दिया हमारे को। हाँ, सारी जातियों ने वोट दिया। हाँ, और छेल जाएगी, चलो अपनी पर्सनल जिम्मेवारी को नाराजगी होगी उसको। हाँ, हमारे को नहीं पता। हाँ, लेकिन उनको प्रचार करना चाहिए था, प्रचार नहीं किया उन्होंने, कम किया। 10 सीट हमारे इलाके की उन्होंने स्वीकार करके टाइम दे करके फिर उन्होंने प्रचार नहीं किया। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर तमाम लोग थे, देखिए तमाम समर्थक जो हैं पहुंचे थे पार्टी कार्यालय में, अब बिना बात किए हुए यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये तमाम जो समर्थक हैं फिलहाल यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुबह का जब वक्त था 8-9 बजे, तो यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता थे वो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर जुटे हुए थे। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो हुक्के पर जो है वो चर्चा चल रही है, और इसी बात को लेकर जाहिर तौर पर डिस्कशन होगा कि जो उम्मीदें थीं क्या अभी भी बाकी हैं, और क्या काउंटिंग चूंकि चल रही है ऐसे में लोग चाहते हैं कि क्या लगता है अभी सीटें बढ़ेंगी कांग्रेस की, क्योंकि अभी काउंटिंग तो लगातार चल रही है। काउंटिंग बढ़ेगी और एक काउंटिंग दिखानी चाहिए, दिखाते क्यों नहीं कि इतनी देर से जीत रहे उनको क्यों नहीं दिख रहे? 22-23 सीट जीत रहे, उनको दिखाते क्यों नहीं? दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? चुनाव आयोग पर सवाल है। हाँ, चुनाव आयोग पर सुनाव है, दिखाना चाहिए जी, बिल्कुल। जनता को भड़काना नहीं चाहिए। हाँ अंकल, क्या करें, 55 सीट राउंड हो गए, बाकी बदले दिखाई नहीं रहे, रखती है। चुनाव आयोग जो है ये कहना है कि रोक रहा है। हाँ, रोक रहा है। यहाँ तमाम सारे लोग मौजूद थे, कहीं ना कहीं थोड़ी सी चेहरे पे मायूसी जरूर नजर आई नतीजों के बाद। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? सारा सौदा मायूसी तो आप होगी, 5 साल की सारी करी कराई मेहनत बेकार की सारी, आज उम्मीद खत्म होगी। चुनाव आयोग ने अभी तक कुछ नहीं दिखा रहे, एक भी सीट की बढ़त नहीं दिखा रहे। उम्मीद तो थी और सारी सब खत्म होगी उम्मीद। आपके चेहरे पे दुख भी नजर आ रहा है? दुख बहुत, थोड़ा नहीं, सिर पाटन हो रहा, दुख क्या हो रहा भाई, शर्म हमारे सिर पाटन नहीं हो रहा है। किसानों को बहुत उम्मीद थी, किसान जो है बैठे हुए थे कि उनकी मांगे पूरी। कल जीरी 2200 बिके गुआड़े, जो 2700 बिक रही थी 2 दिन पहले,
मैं भी किसान हूँ, कल जीरी बेच कर 2200 रुपए क्विंटल बेच किया, तो 5 तारीख से पहले 2700 रुपए क्विंटल पे खरीदी, तो क्या रह गया हमारा। अच्छा एक चीज बताइए, आप इतने अनुभवी हैं, कुमारी शैलजा दलित चेहरा है, वो लगातार दिल्ली में बैठकर आज इंटरव्यू दे रही है, उनका ये कहना है कि उनको मौका पूरा नहीं दिया गया और वो प्रचार, क्या दलितों की भी नाराजगी रही? दलितों की कोई नाराजगी नहीं, सारा भट्ठा उसी ने बिठाया है, वहां जाकर उड़े बैठ गए प्रचार कर रही है हमारे साथ, दलित हमारा गाँव गया भी हरिजन है। क्यों भाई साहब? दलित शैलजा ने करा है सारा काम, जो भी कराया शैलजा ही ने करा है, शैलजा को प्रचार में नहीं गई घूमने, कहीं निकली है नहीं, उसी ने सारा काम बिगाड़ा, कई जगहों पर प्रचार करने भी नहीं गई वही उस। जी भाई साहब, इलेक्शन पीक पे इलेक्शन चल रहा है और कुमारी शैलजा रुष्ट होकर बैठ रही है घर पे, तो इसका संदेश क्या जाएगा? गलत संदेश आएगा, अकेला उड़ा एक करेगा, एक बाबू बेटा दो रह गए, कोर तो को बड़ा लीडर ना बचा, रणदीप है अपना लड़का जितान में लगा रहा, और वो किज्जा हुआ है उदय बहाने बेचारा, वो भी हार गया, वो दो चार जगह जनसभा के बाहर गया, अपनी सीट छोड़ गया। भाई साहब सारा का सारा सिस्टम बिगाड़ दिया कुमारी शैलजा ने, भूपेंद्र हुड्डा बढ़िया ओड था, जितने भी जीते हैं भूपेंद्र हुड्डा के जीते हैं और किसी ने, बाकी भाई साहब धनबल का खूब प्रयोग हुआ है, खूब यहाँ तक ऐसा ही हो रही है रोहतक में, इस टाइम भी मनीष गुरो को अलाउंस करने लग रहे हैं, मनीष गुरो हालांकि हार रहा है, धक्काशाही हो रही है। बहुत सारी नाराजगी और बहुत सारे सवाल लोगों के चुनाव आयोग से भी हैं, और भी तमाम यहाँ समर्थक जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, हुड्डा जी के साथ जुड़े हुए हैं, लंबे समय से इनके परिवार जुड़े हुए हैं, और अभी हुक्के पर जो है लगातार चर्चा भी चल रही है, युवा चेहरे भी हैं। क्या नाम है सर? अमित ग्रेवाल नाम, भाई शमचाना गांव है, और कोई देश में मानो ना मानो जो यो सिस्टम मशीना वाला चल रहा है ना, इब नुकह देंगे कारगे तब मशीना में कोट बतावे हैं, लेकिन आप मीडिया वाले हो, पूरे हरियाणा में घूमे हो, आप नहीं बेरा है इनकी वोट थी नहीं, वोट की तावे है राम जाने भाई, मशीना में गड़बड़ हो है, वो मानो चाहे मत मानो, लोग नुकह देंगे हार गया जहा तब मशीना की रोड बतावे है, आप मीडिया वाले हो, आपने भी घूम कर पूरे हरियाणा में देखा है, इनकी कितना वोट थी नहीं, कितना पागी एक दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी नुक है, सारा सिस्टम सेट है, वो सेट क्यों करता सिस्टम भाई को बताओ, क्या का सिस्टम सेट था, यो सिस्टम सेट था इनका। साहु जी ये बताइए कि आप इतने चुनाव आपने देखे होंगे, कुमारी शैलजा की नाराजगी का क्या कोई असर पड़ा? क्योंकि वो दिल्ली में आज इंटरव्यू लगातार देने करी, उन्हें मौका ही नहीं दिया गया और वो नाराज हो गई थी बीच बार, सारा ये पड़ गया, सारा ये पड़ गया, दलित वोट नाराज हो गए ऐसे कुछ ना, दलित पलित ये सब इनका खेल है, वो बस मशीना का ठीक से, ये भी बतरा उन्हें मनीष ग्रोवर ने जितान मंड रहे हैं, पब्लिक वहाँ गई है फिर के रह गया, पिछली बार दीपेंद्र हराया था ने। जी भाई साहब, देश की आन बान शहन है, उसको हराने में भी लग रहे थे ठीक है, वो जीत गई बहुत बड़ी बात है, नहीं तो उसको हराने में लग रहे थे, वो ब्रजभूषण है, वो उसके पास मतलब पैसे सब कुछ फूक दिया उसने, अपनी जान जग धोक दी ठीक है, पर उसकी चली नहीं इतनी, वो तो लोग वहां के बढ़िया थे उन्हें जता दी ठीक है, ये यो धार अरविंद शर्मा धारो तक में क्या करे भाई ने उड़ जाकर ना, मतलब वो कर दिया ये कर दिया, और क्या मानना भाई, और रोज तक हम आए थे मारा कुछ ना कर, हम ता दिए भाई जाओ तारा को मतलब नहीं अड़ लेना देना नहीं धारा ठीक है, और भी मशीना सेट करा ईवीएम जो भी कुछ भी है उसने ये सेट करा है, और ये बढ़िया उन्होंने वो कर रहे हैं। भाई साहब ये बताइए कि अभी तो नाराजगी जो थी चुनाव के पहले थी, लेकिन अब मायूसी जाहिर तौर पर दिखाई दे रही, क्या वजह मानते हैं हार के पीछे, क्या वजह मानते हैं कांग्रेस कार्यकर्ता? वो आर की वजह से क्या बताएं, क्या नाम पब्लिक किसी से पूछ के देख लेना, बाहर रोड पे निकलोगे ना तो यही बताएंगे, हम वोटर कांग्रेस के हैं, ऑल हरियाणा घूम के देखो आप, आज से पहले भी घूमे होगे तो वो वोट कहाँ गई, एक सेकंड पहले दिखा रहे तो सर ये कहा जा रहा है कि सर्व समाज वोट नहीं दे पाया, जाटों पर ज्यादा फोकस रह गया, लेकिन कई जातियां जो पिछड़ी जातियां थी वो शांति से बैठी रही, उन्होंने पिछड़ी जातियां जो आप बोल रहे हैं वो मतलब हर जाति हर एक रैली में बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया, कोई भी रैली ऐसी नहीं थी जिसमें 36 बरादरी ना हो, वो वोट बैंक कहाँ गया? सर ये बताइए कि हुड्डा जी को सीएम बनने का सपना सबके बहुत लोगों का था जो यहाँ मौजूद थे, अब आप आगे का क्या सोच रहे हैं, आप लोग कैसे राजनीति को देखते हैं? ये देखा जी मायदे सारी आशाएं टूट गई हैं ठीक है, हम तो बहुत ज्यादा उम्मीद मान रहे थे, 50-55 सीट तो हम मान रहे थे, ये धांधली करी गई हमारे साथ, 8-7 राउंड कटने के बाद ना कुछ सीटों को रोका गया है, जहाँ बीजेपी आगे दिखाई गई ना वही सीट रोक दी गई है,
ठीक है, प्रशासन को भी अपनी तरफ खींचना था, तानाशाही राज कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। ये बताइए, क्योंकि ये बार बार बात उठ रही है, क्या कुमारी शैलजा की नाराजगी से दलित वोटर्स जो हैं वो कांग्रेस से दूर हुए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। कुमारी शैलजा कह रही मुझे मौका पूरा दिया ही नहीं गया चुनाव में, और नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। नहीं, कुमारी शैलजा का ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है कुमारी, हाँ नीम से झाड़ दे शैलजा को, नीम से चढ़वाना चाहते हो क्या? अरे है तो हमारी है, हमारा खून है, आपस में बातचीत हर जगह भाईचारा है। चुनाव से दूर क्यों रही? घर में बैठ गई, वो पहले बीजेपी में क्यों भाग रही थी आप बताओ, आप मीडिया में हो, क्यों भाग रही थी? वो शायद चाह रही थी कि मुझे सीएम चेहरा घोषित कर दो, ऐसा कुछ। ये सब ये मीडिया वाले जो ना उतार चढ़ाव मीडिया करती है, मीडिया करती आई है, उनके मन में भी तो कुछ रहा होगा, हमने तो मुंह पे रखा नहीं होगा। ये मीडिया आज इंटरव्यू दे रही है, बार बार कह रही है, वो तो बोलेगी, लेकिन इस चीज को उछाड़ते तो आप हो ना, आवाज तो आप दे रहे हो। आपकी एक बड़ी नेता बोल रही है तो उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, उसको मीडिया उनकी सुनी जाएगी। मीडिया ये बताइए कि जब तक आज सुबह से पूरा माहौल बना था, और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं था, या तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने यात्राएं निकाली और काफी चर्चा में भी रही और काफी मेहनत की, अब आप लोग राजनीति को कैसे आगे देखते? जितनी मेहनत दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की है, इतनी मेहनत शैलजा ने क्यों नहीं की? वो 10 दिन चुनाव से दूर क्यों थी? जब वो एक पार्टी की अपने आप को सीएम का चेहरा घोषित करना चाह रही हैं, तो उसका कोई फर्ज नहीं था क्या मेहनत करने के लिए? पार्टी के साथ उन्होंने विश्वासघात किया, आप मानते? बिल्कुल किया है, क्यों नहीं किया है? और ये बीजेपी वालों ने भी लोकतंत्र की हत्या की है। कब तक चलेगी ये तानाशाही? पूरे नेशनल चैनल देखिए आप, सट्टा बाजार देखिए आप, लोकल चैनल देखिए आप, हरियाणा के जो यूट्यूब चैनल थे सभी पर मिनिमम जो सीट थी कांग्रेस की 50 थी, 50 से ऊपर सारी की सारी कांग्रेस सीट मिल रही थी, तो वो सीटें गई कहाँ? कहाँ गया आप लोगों का सर्वे? कहाँ गया नेशनल चैनलों का सर्वे? जो नायब सिंह सैनी ने कल बयान दिया, भाई ने बताया कि सब कुछ सेट है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, एक सीएम होते हुए ऐसा बयान, और वो भी काउंटिंग से एक दिन पहले, उनके पास श्याम दाम दंड वेद सब कुछ अपनाया और कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने, उन्होंने सत्ता का घमंड है और वो एक दिन जरूर टूटेगा। दुरुपयोग कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुपयोग, सत्ता का दुरुपयोग किया है। और अभी आप देख रहे हो ऐसी सीटें हैं 10 से 15 सीटें जहां कांग्रेस आगे थी, वहां काउंटिंग रोक के थोड़े आध घंटे के बाद 3-3 घंटे न्यूज चैनलों पर 36-48 36-48, ऐसा क्या हो गया? आंकड़े ही नहीं बदल रहे। इसका तो साफ साफ मतलब है कि बीजेपी ने श्याम दाम दंड वेद अपना के और उन सीटों को अपनी तरफ किया और सेंटर का पूरा फोकस, ऐसे सत्ता चलती है। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये भारत का भविष्य है, खत्म हो जाएगा एक दिन भारत ऐसे ही चला दो। क्या कह रहे थे? एक बात बताऊं शैलजा के बारे में, बताऊं जी, यहाँ तो इलेक्शन चल रहा है और शैलजा सोनिया गांधी के पास बैठी है, सरकार बनेगी तभी तो वह दावेदार बनेगी। सही बात है कि नहीं? सरकार बनती नहीं, कोई दावेदार बनकर बैठी है उड़े, कोई बात है क्या? इलेक्शन में घूमो हमारे एरिया में, कहीं भी आई हो तो शैलजा बताओ, दीपेंद्र हुड्डा सारे हरियाणा में घूमे है ना, शैलजा कहाँ गई है बताओ ना? सीएम तो जब बने ना, जब कहीं जाती हूँ, आप ये बताओ, हमने शैलजा की शक्ल भी नहीं देख ली है, बताओ। तो कुमारी शैलजा के चुनाव प्रचारों में ना आने को लेकर बहुत सारे सवाल जो हैं लोगों के मन में है, लेकिन जाहिर तौर पर अब यहां से जो कार्यकर्ता हैं वो मायूस जरूर हैं, जाते हुए नजर आ रहे हैं, और उनको लग रहा है कि जो मेहनत लंबे समय तक की थी वो कहीं ना कहीं एक उसका फल नहीं निकला। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बड़ी जीत जो है वो हासिल की है। तमाम जो बुजुर्ग लोग हैं यहां पर मौजूद हैं, अंकल ये बताइए कि अब जो हुआ रिजल्ट आया, इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? हम तो भाई ये बड़े भाई साहब ये बताऊंगे, क्या बोलेंगे? चलिए और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं, कैसे देखते हैं इस नतीजे को? हम दो बूढ़े मने अनपढ़ हाँ, हमने नहीं बेरा क्या है। लेकिन आपने इतने चुनाव देखे, आपने दुनिया बदलते देखी, क्या हुआ, क्या जाहिर कोई कमी रह गई या कुछ गड़बड़ी हुई जैसा कई लोग कह रहे हैं? गड़बड़ तो सही दिखे है, एक बार दिखा गया तड़के फिर दिखा दे कोई नहीं जी। 3 घंटे से इंतजार, जनता ने वोट कांग्रेस पार्टी की छक्के घेरी है और शैलजा कुमारी ने पार्टी की सच्ची सिपाही है और पूरी मेहनत करी है। लेकिन शैलजा तो वहाँ इंटरव्यू दे रही है दिल्ली में, कह रही है कि मुझे पूरा मौका नहीं दिया गया, और वो उनकी नाराजगी नजर भी आई, कई बार वो मिलकर आती थी जनता। पूरा मौका दिया सरकार ने, हुड्डा सरकार ने पूरा मौका दिया है,
अरवाग खूब बढ़िया शहर पार्टी में रहेगी सच्ची सिपाही देश के अंदर वही है कांग्रेस की। सच्ची सिपाही तो हैं लेकिन फिर दलितों ने वोट नहीं दिया ऐसा आंकलन लगाया जा रहा है, सत्य है क्योंकि सीटें तो कम हुई हैं। देखो वो तो वोटर की मर्जी है और वोट दी है दलित सी बात नहीं, कुछ परसेंट दिए कुछ ना दिए होंगे। अगर शैलजा और ज्यादा आक्रामक होकर प्रचार करती, ज्यादा प्रचार करती तो और ज्यादा उसका फायदा मिलता पार्टी को? नहीं कुछ नहीं मिलता। चलिए तो ये तमाम लोग इन्होंने अपनी बातें रखी और मैं आपको बता दूं ये रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये चुनावी कार्यालय है और यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सुबह और दोपहर दो बार आ चुके हैं। उन्होंने बार बार यही कहा कि कांग्रेस जो है वो मेजॉरिटी के साथ सरकार बना रही है और चुनाव आयोग से भी उन्होंने अपील की कि वो जो मतदान के बाद जो वोटों की गिनती हो रही है उसके प्रतिशत की जो बार जानकारी है, वोटों की गिनती की जानकारी है, वो जल्दी से जल्दी दे, ज्यादा से ज्यादा अपडेट करे। और कुछ जगहों पर इस तरह की बातें जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पता लगी जहां पर वोटों की गिनती जो है वो बीच बीच में रोक दी गई। लेकिन अब इन सबके बीच में बहुत सारे सवाल हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मायूसी भी है क्योंकि 10 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद कांग्रेस को उम्मीद थी कि इस बार तमाम मुद्दे जिसमें अग्निवीर हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे किसानों से जुड़े मुद्दे हो, इन सभी मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस वापस सरकार में आएगी और उसके बाद जाहिर तौर पर सीएम बनाने के चेहरे को लेकर तमाम कवायदे होती। लेकिन जिस तरीके का एक बदलाव देखने को मिला एग्जिट पोल के उलट, बाकी चीजों के उलट, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल कहीं ना कहीं मायूस होकर अपने घरों की ओर गए हैं, कुछ काउंटिंग सेंटर्स की ओर गए हैं। लेकिन चूंकि अभी मतगणना जारी है, काउंटिंग जारी है, ऐसे में उनकी उम्मीदें भी कायम है और अगर कुछ बदलाव होता है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जुड़े हुए लोग फिर से यहां पर सड़कों पर, कार्यालय में, जगह जगह पर जश्न मनाते हुए जरूर नजर आएंगे।